मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। इंटरफेरेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था, और वहां पर हमने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए रिजल्टेंट को भी निकाला था। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, आर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस फाई, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशन देखी थी, जहां पर जो फेज डिफरेंस था 2n π के बराबर था और जो पाथ डिफरेंस था n λ के बराबर था। अब यहीं पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी लाइट की, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो कोस फाई की वैल्यू होगी, कोस फाई वो 1 के बराबर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अगर कोस फाई को हम यहाँ पर आर जो है, ये जो रिजल्टेंट है, यहाँ पर 1 के बराबर रख दें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, यही आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी के होल स्केयर का फॉर्मूला बन जाता है, और ऊपर क्या है, यहाँ पर अंडर रूट है, और स्केयर से जब अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, ए प्लस बी आ जाता है। यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो रिजल्टेंट रहता है ए प्लस बी रहता है। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, जिसमें फेज डिफरेंस जो था 2n - 1 π के बराबर था। ये पिछला लेक्चर आप पढ़ लीजिए, पूरे बेसिक हमने उसमें क्लियर किए हैं, ये हमने वैल्यूज निकाली थी, ये रिलेशंस, और जो पाथ डिफरेंस था 2n - 1 λ/2 था, यही था। अब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम रिजल्टेंट को निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या रहेगा, अब इसके लिए क्या होता है, कोस फाई जो होता है वो होता है -1, यहाँ पर +1 था या -1 होता है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का 2ab यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोस फाई -1 होगा। और यहाँ पर अगर हम अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला देखें वो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्केयर, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी का बना था क्योंकि सारे पॉजिटिव थे, तो यहाँ -2ab है तो a माइनस बी का होल स्केयर बनेगा, और यहाँ पर ये क्या मिलेगा हमें, a माइनस बी मिलेगा जब यहाँ पर ये अंडर रूट हटाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए a प्लस बी हमें मिला और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए a माइनस बी हमें मिला। अब हमें पता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो एम्पलीट्यूड का स्केयर है, यही होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के बराबर। लेकिन अब यहाँ पर जो हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, ये भी तो एम्पलीट्यूड ही है रिजल्टेंट वेव का, अगर हम कहें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्केयर के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें तो जो I1 इसको ले लेते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्केयर के बराबर आ जाएगा अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें। और I2 की बात करें, यहाँ पर इक्वल टू है तो के ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, और I2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, के ए माइनस बी का होल स्केयर। ये आप समझ गए होंगे कि ये क्यों आया है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है जो स्केयर के एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर के हमने लगा दिया, ए प्लस बी हमारे पास आर था ही तो इसका स्केयर कर दिया, तो हमारे पास I1 आ गया और I2 आ गया। अब यहाँ पर ये I1 की वैल्यू आपको याद रखनी है, I2 की वैल्यू याद रखनी है। अब यहाँ पर अगर हम एवरेज इंटेंसिटी को निकालें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, इंटरफेरेंस की टर्म हमने समझी, रिजल्टेंट देखा, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिलेशन हमने निकाली। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसके लिए, तो I जो होता है हमारे पास, अगर हम I एवरेज की बात करें, एवरेज क्या होता है, I जो मैक्स होगा प्लस I मिनिमम होगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2, यही एवरेज होती है जब भी हमें एवरेज निकालनी होती है। तो यहाँ पर हम एवरेज निकालते हैं इंटेंसिटी की, तो वो हमारे पास क्या आएगी, अब आई मैक्स यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो टर्म आई वो क्या थी हमारे पास, के ए प्लस बी का होल स्केयर, प्लस मिनिमम के लिए क्या टर्म आई थी, के ए माइनस बी का होल स्केयर, यही आई थी, आई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, और डिवाइड में क्या है यहाँ, 2, यहाँ हम निकाल रहे हैं आई एवरेज। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, आप देखिए यहाँ पर के है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आएगा, इसको निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab यही आएगा, और प्लस यहाँ पर के, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा।
अब यहां पर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे क्या है डिवाइड में इसके टू है, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ ए स्केयर है, ये के जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, के बी स्केयर आ जाएगा, इसी तरह से के ए स्केयर और के बी स्केयर यहाँ पर भी मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, के को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ए के स्केयर, और के स्केयर टू था तो टू हमारे पास आ जाएगा ऐड करने के बाद, यानी कि के ए स्केयर ये, के ए स्केयर ये, यानी कि टू के ए स्केयर होगा। इसी तरह से के बी स्केयर प्लस के बी स्केयर, टू के बी स्केयर होगा, तो टू के हमने बाहर ले लिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर यहाँ आ गया, और यहाँ पर ये प्लस टू के ए बी आएगा, और यहाँ पर देखिए जब के मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू के ए बी आएगा, वो कट आउट हो जाएगा, नीचे क्या है टू, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, के ए स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये हमारे पास बची एवरेज जो आई हमारे पास, ये आ गई। अब ये किसके बराबर है अगर हम बात करें, वो हम देख लेते हैं। अगर हम टोटल इंटेंसिटी की बात करें कि अगर इंटरफेरेंस ना हो तो आई वन प्लस आई टू इसकी वैल्यू निकाले तो क्या होगी, आई वन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी के, यही वाली ए प्लस बी का स्केयर, तो ये थी हमारे पास के ए प्लस बी का स्केयर, और इसके अंदर प्लस आई टू को कर दे यानी कि के ए माइनस बी का स्केयर ये ऐड कर दे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, के ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो है आई की वैल्यू हमारे पास बनती है जब हम मान रहे हैं कि एवरेज तो हमने अलग निकाल ली, ये वैल्यू आई, और अगर हम माने कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, दो सोर्सेज के द्वारा द्वारा जो स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी यानी कि आई वन प्लस आई टू होगी, तो क्या होगा उसकी वैल्यू भी ये आई, यानी कि एवरेज वैल्यू भी ये आई, और ये वैल्यू जब हमने निकाली आई वन प्लस आई टू को, ये भी ये वैल्यू आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक ब्राइट फ्रिंज है एक जो है डार्क फ्रिंज है, ये बनती हैं, यहाँ पर कोई एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो एनर्जी है डार्क से जो है ब्राइट फ्रिंजेस की तरफ एक तरह से इकट्ठी होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल भी ये ओबे करती है। ये आप समझ गए कि एवरेज हमने देखा, एवरेज हमारा इतना आया, और दूसरा अगर हम इंटेंसिटी निकाल कर देखें, जो टोटल जो दो सोर्सेज अगर हम ले रहे हैं उनकी जो लाइट स्क्रीन पर पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी निकाल कर देखें तो वो सेम आती है। तो जब हमने इंटरफेरेंस पैटर्न की एवरेज निकाल करके देखी, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एवरेज निकाली, और वो इतने के बराबर ही आई जब हमने दो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी निकाली स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही बराबर है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का क्रिएशन और डिस्ट्रॉय अगर हम बात करें वो नहीं होता, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट जो है एनर्जी होती है यहाँ पर। तो इसलिए जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है उसको ये ओबे करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।